में क्यों नजर डाल रखी है आपने। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। आओ इधर सामने आओ ना। हेलो गाइस, करो हेलो, शलाइकुम, करो आप पढ़ो शलाइकुम। तो आपको करना पड़ेगा, गुस्सा हो जाएंगे, फिर सब कहेंगे आयरा बैड मैन। को आपको लाइट आपकी शक्ल करना नहीं दिख रही, ऊपर आके बोलो। हम ओके पर बैठ जाओ। अब बोलो। है, सब्सक्राइब करो, लाइट करो, तब के लिए तेरा को सब्सक्राइब करना है और लाइट दबाना है, और तब के लिए बाय बाय। मैं लास्ट का अपना वो डायलॉग बोलती हूँ ना कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आपको जो भी करना है वो कर। ना तो मैं बड़ी बुझी बुझी से आप लोग को लग रही होंगी, तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं है एक्चुअली। अभी शाम का टाइम हो रहा है, जो 5 बज रहे हैं और मैं अभी सो के उठी हूँ, और मैं ले रही थी एक्चुअली कॉफ़ी अपनी। मैं सर्दियों में हमेशा से, शुरू से मतलब कब से, जब से ये दुनिया बसी है, नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, सर्दियों में हम लोग जॉब भी करना है, सिर्फ हमें जब मार दी और जॉब भी करती और जब गाड़ी नहीं देती। हाँ, आपको लाइट करना है तो आपको भी लाइट ये कह रही है, जैसे मैं आपसे अपनी अपनी बातें करती हूँ ना, तो ये कह रही है कि शिफा इन्हें मारती है और अपनी गाड़ी भी नहीं देती, और तब तक के लिए फिर भी आपको अगर लाइक करना है, मतलब ऐसी बातें पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। करना होगा ना। क्या पागल दादी बुला रही, दादी सुनो, दादी क्या कह रही है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं पी रही थी कॉफी। ओए मम्मी, और तुम उसके ऊपर क्या हुआ मेरे चंदा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया चोनू को, क्या हो गया, क्या हुआ। वेलकम बैक। आप लोगों ने देखा अभी क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था यहाँ पर। तो अगर नहीं देखा हो तो मैं बता दूँ, एक्चुअली देखा क्या होगा, हम लोग का रिएक्शन ही देखा होगा। यहाँ पर हमारे पीछे ना एक चाची रहती हैं, तो वो आयरा को आवाज़ लगा रही थी। मैंने आयरा को बोला आयरा जाके देखो, तो आयरा लिबा यहीं लेटी हुई थी बेड पे। आयरा इतनी जोर से भागी, लिबा के ऊपर चढ़ गई, मेरी चीख निकल गई। फिर मैंने जल्दी से लिबा को उठाया और देखा तो लिबा की हालत बिल्कुल पस्त है। लिबा देख लो, चुना का हो गई। और एक और बात बताऊँ, सिर्फ चढ़ने से ही लिबा का बुरा हाल नहीं हुआ, आज लिबा के साथ दो दो ट्रेजेडी हुई है। आज लिबा का वैक्सीनेशन हुआ है, तो लिबा बुखार में इस वक्त तप रही हैं, तो इसीलिए मैं आज घर भी नहीं जा रही हूँ, शाम की शूटिंग हो रही है ये। अच्छा, कितना अजीब होता है ना, सोचा था, बड़े मुझसे सोचा था कि कॉफ़ी आराम से पीऊँगी, अभी मैं जस्ट सो के ही उठी हूँ और मैंने सिर्फ कुल्ला करा, मुंह भी नहीं धोया अभी, जस्ट ऐसे ही मुंह है। मैं सोची थी रिलैक्स होकर पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना थोड़ा बहुत काम करके मुँह धो के फिर मामा के पास निकलते हैं, लेकिन एक माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, जैसे वो सोचे वैसे हो नहीं सकता। तो हाँ, कॉफ़ी से याद आया कि मैंने लास्ट जो व्लॉग डाला था, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, और वो कॉफ़ी बीटर मैंने क्या दिखा दिया, तो आप लोग एक मिनट बेटा, तो कॉफ़ी बीटर की बड़ी फरमाइशें आ रही हैं, तो मैं ना वो आप लोग पहले कॉफ़ी बीटर देख लो, उसकी सारी क्वालिटीज़ देख लो, कहाँ से मिलेगा वो सब देख लो, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। जब तक देखती हूँ और क्या कर सकती हूँ मैं, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। आयरा को ड्रेस पहनानी है, आयरा अभी अपने वो गर्म सूट में ही आ गई थी, तो मैं उसको ड्रेस पहना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, और हाँ एक चीज़ और बोल देती हूँ, अभी याद आ गई एकदम से, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना मिस करते हैं और इतना ज़्यादा कमेंट करके बोलते हैं कि अभी रोज़ ब्लॉग डालो, रोज़ ब्लॉग डालो। मैं कई बार सोचती हूँ कि काश मेरे पास कोई हेल्प होती, काश मैं करना चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं काम छोड़ूँ, ये काम नहीं करना चाहती, मैं अपने सारे काम करती हूँ, बस एक ये यूट्यूब का काम जो है वो भी कर रही हूँ, ऐसे नहीं है कि नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ टाइम लग रहा है, 3 दिन 4 4 दिन हो जाते हैं मुझे, तो इसे करने में मेरे काम थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, और जैसे जैसे आपको होता चॉकलेट खानी है, है। ये लीजिए, खा लीजिए। लो जी चॉकलेट खा लो इनकी, हमें तो देती नहीं है, आपको देंगी। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए, मैं कोई वादा नहीं कर सकती, और बहुत से लोग कहेंगे ओ हो आई बड़ी मैडम, मैडम तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इतना प्यार करते हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब शुक्रिया बहुत छोटा वर्ड है। इंशाल्लाह लिबा थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना, कुछ मतलब सुकून तो मिले ज़िंदगी में। अभी मैं बता क्या बताऊँ आपको, मेरे काम है ना
कहते ना अभी मैं बाय कर रही थी और मैं और बातों में लग गई, फिर भी बात करने दो यार। हाँ तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे काम ना शाम को 5-5 बजे तक ख़त्म हो पा रहे हैं, क्योंकि लिपा इतना ज़्यादा, अब यही है कि पूरा दिन इसको सिंगल हैंड मुझे ही संभालना पड़ता है। शाम को जाते हैं मामा के पास, फिर वहाँ तो खैर सब संभाल लेते हैं। और मैंने पहले व्लॉग डाला था तो उसमें मैं खाना बना रही थी, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि अपनी सासू माँ को यहीं बुला लो अपने पास, मामा यहाँ नहीं आती, मामा को यहाँ नहीं अच्छा लगता। यहाँ नहीं अच्छा लगने का रीज़न एक ये है कि ये थोड़ा सा ना वैसे एरिया पड़ जाता है, कैसे बताऊँ आप लोगों को, जैसे पॉश एरिया होता है ना। अभी भी बात करें तो बाबा को यार, तो यहाँ पर ना किसी को किसी से मतलब नहीं है। जैसे हम लोग तो आजकल के बच्चे ऐसे माहौल में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, और हम लोगों को पसंद भी है कि ज़्यादा किसी घर में ना जाना ना आना, मतलब मोहल्ले पड़ोस में। खैर हमारे यहाँ मतलब दिल्ली में भी हमारे घर का माहौल ऐसा था ही नहीं, मम्मी ने कभी नहीं रखा, तो ज़्यादा मम्मी भी किसी के घर में नहीं जाते थे और हमारे घर में भी कोई नहीं आता था। तो हमें आदत है घरों में रहने की और ज़्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं है, बस अपने रिश्तेदार या अपना कोई फैमिली फ्रेंड वगैरह वो सब, तो वही माहौल यहाँ का है। तो यहाँ तो और ज़्यादा पॉश एरिया है, तो यहाँ कोई किसी से मतलब नहीं होता, बस पीछे एक चाची जी है तो उनसे थोड़ी बहुत बात हो जाती है, तो ऐसे कर। तो बब्बे को यहाँ लगता है बहुत बोरिंग है, वहाँ पर हमारा पूरा मोहल्ला है, आप लोगों ने देखा तो है पूरा मोहल्ला पूरी बस्ती है, वहाँ तो खूब मतलब चहल पहल रहती है। तो मम्मी का मन वहीं लगता है कि हाँ मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, मम्मी को लगता है मैं किसी डिब्बे में आके बंद हो गई हूँ, इस वजह से मम्मी नहीं आ सकती यहाँ पर। शाम को भी चली जाती हूँ। और हाँ एक और बात बता दूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे घर वाले या मेरे ससुराल वाले मेरा ख्याल नहीं रख रहे, मैं आपको बताऊँ पता है बोलते बोलते फिर मेरी आँखों में आंसू आ जाएंगे लेकिन हाँ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी सासू माँ मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरी देवरानी मेरा इतना ख्याल रखती है। बेटा खैर चली गई है, तो जैसे कई बार रहता है लिबा मुझे नाश्ता तक नहीं लेने देती है, इतना परेशान करती है, तो फिर मैं मामा को फ़ोन कर देती हूँ तो मामा नाश्ता भिजवा देती है। कई बार दोपहर में सब्ज़ी जैसे सुबह ही बन जाती है वहाँ पर, तो वो सब्ज़ी आ जाती है, मुझे सिर्फ रोटी रोटी डालनी होती है, कई बार वो भी आ जाती है तो मुझे वो भी नहीं डालनी होती है। मतलब इस तरह से मेरा ख्याल रखता है, मेनली मेरे खाने पीने का लाइट के लिए और वही सबसे मेन होता है कि बंदा खा तो ले, और सब काम तो मामा कहती है रहन दिया कर मत क्या कर, तो वही हो भी रहा है कि मैं मेरे घर पे ना रोज़ मैं बताऊँ उस तरह से पहले जैसे काम हो भी नहीं रहा है। हालांकि मैंने आपकी जीजू से कहा था कि हम एक मेड रख ले, तो आप लोगों को तो पता है योर जीजू इज योर जीजू नन ऑफ माई जीजू तो कुछ बना कर दिया, क्या मैं उस बात को छुपाऊँ, साफ बना कर दिया। तो बस ये है कि अब चल रहे हैं काम, फिर वो भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते कि ये काम क्यों नहीं हुआ और वो काम क्यों नहीं हुआ, उनके जो पर्सनल काम है बस उनका क्या है, उनको कपड़े मिलने चाहिए रोज़ जी बेबी, और खाना ऐसा होता है कि उनका काम ही ऐसा है कि ये गए वो गए, तो जब होते हैं तो खा लेते हैं और जब नहीं होते तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बाहर ही खाते बहुत हो गई रामकथा आज सामने की आई सारी रामकथा सुना दी। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा परिवार मिलके मेरा बहुत सारा ख्याल कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे अकेला छोड़ा हुआ है। बस अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना ये, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। बाकी व्लॉगिंग चाहे 2 दिन में चाहे 4 दिन में आती तो रहेगी, बिल्कुल गैप मैं नहीं लूँगी, जैसे भी करती हूँ ना मैं, आप लोगों को पता भी है कि रात रात को 2-2 बजे मैं एडिटिंग करती हूँ और मतलब यही सब सो रहे होते हैं, क्योंकि लिबा को छोड़ के मैं बाहर वाले कमरे में भी नहीं जा सकती, मेरे हट ही ये ना मतलब कहते हैं ना मम्मा का गोद वाला जो बेबी होता है ये वो हो गई है, मेरी खुशबू अगर इसे नहीं आती तो ये उठ जाती है, तो यही लेटे लेटे और वॉइस ओवर करना पड़ता है तो मेरी आवाज़ की मुझे उतनी ज़्यादा वाली खड़ा कहना तो वो भी नहीं आप लोग को आ पा रही होगी, और कुछ आवाज़ भी माशाल्लाह से ख़राब हो गई है, और ये पीछे शैतानी हो रही होगी ज़रूर, आप लोग बताना इससे क्या शैतानी करें, क्या करें बेबी क्या कर, अच्छा क्रीम लगा लो और ये अपने आप जा रही, हम तो आज जा नहीं रहे, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम तो जा नहीं रहे, ये नहीं रुकेंगी ये निकल जाएंगी, और अपना ड्रेस लेके घूम रही हैं ड्रेस पहन के और ये निकलने वाले हैं, चलो इसको भेज दे तू वरना मेरा दिमाग ख़राब कर देगी थोड़ी देर। तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आरा को तैयार कर रही हूँ, और यहाँ मैंने आरा को कर दिया है तैयार, और मैं आरा से कह रही थी कि आरा आप अपना ड्रेस दिखाओ, तो वो ऊपर चढ़ के दिखा रही थी, उसको लगता है कैमरे के अंदर घुस के ही वीडियो बनाई जाती है, तो उसको बोल रही हूँ कि बेबी नीचे उतरो और नीचे उतर के अपना ड्रेस दिखाओ। और वो जो पीछे आप लोगों को सामान दिख रहा है ना, वो मैंने थोड़ा सर्दियों के कपड़े वपड़े निकाले हैं ना, तो आरा के बचपन के कपड़े रखे हुए थे बहुत सारे इकट्ठे हुए हुए थे, तो वो ज़्यादा काम के भी नहीं है, मतलब जो जो काम के हैं वो तो मैं लिबा को पहना दूँगी, तो ये ज़्यादा काम के नहीं थे तो इन्हें निकाल दिया।
तो यहाँ पर आयरा जा चुकी है और अले बाकी मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं इसको पीसीएम का सिरप दे रही थी। देखो लिबा को भी कैसे कैमरे की तरफ देख रही है, बिल्कुल चुपचाप पड़ी हुई है अभी तो, वो भी अपनी वीडियो बनवा रही है। हाँ तो मैं बता रही थी कि आयरा को तो मतलब मेरा जैसे कभी कभी मजबूरी में मिस हो जाता है, जैसे कि आज लिबा की थी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं गई, लेकिन आयरा तो रुकी नहीं सकती है, उसने तो पटाया अपने दादू को और फौरन भाग गई, कह रही मैं तो जाऊँगी भाई मैं तो जाऊँगी, और वो जा चुकी है। तो बस अब मैं और लिबा रह गए हैं और आयरा के पापा भी हैं नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, तो वो जब भी आएंगे मैं आप लोगों को बता दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं और मेरी लिबा अकेले हैं, मतलब अकेले नहीं है, नीचे पापा जी वगैरह तो खैर हैं, आयरा को छोड़ के वो आ जाएंगे अभी, और बस मैं और लिबा। लिबा कितनी आराम से मजे से बैठ के वीडियो बनवा रही है, क्यूट भी लग रही है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं गई हूँ, तो वहाँ से मम्मी खाना खुद ही ले आई तो वो लिबा से भी मिलने आई हैं क्योंकि लिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने कहा मैं ही जाती हूँ और मैं देख कर आती हूँ अपनी बेटी को कि कैसी है, तो वो खुद ही आ गई हैं और सारा सामान लेकर आई हैं। तो खाना जो भी होगा मैं आपको ज़रूर खोल के दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं खोल के नहीं दिखा रही। तो मम्मी लिबा से मिलने जा रही है और ये लिबा का झूला है जो हमने छोटा सा डाला हुआ है, लेकिन अभी तक लिबा को इसके अंदर हमने नहीं बिठाया क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ऊँचा है, तो इसलिए अभी नहीं बिठाया। और सॉरी मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ करना, अभी बेड पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मैसी हो रहा है मेरा घर, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब सब कुछ मुझे ही करना है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा मुझसे अभी काम, तो थोड़ा सा मैसी हो ही रहा है, आई कैन मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मम्मी मिल रही है अपनी बेटी से, अपनी पोती से, और उसे बहुत सारा प्यार कर रही है, उसे पूछ रही है बाबू कैसा है, क्या हो गया बाबू को, इतनी सारी हो गई है। तो ये ना अपने पैर को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, इतना ज़्यादा इसने मुझे परेशान कर दिया था कि मेरा ना हाथ सूज गया, इसे ले ले संभाले संभाले, तो बहुत ज़्यादा इसने मुझे परेशान किया है इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर वो मैं बता रही थी ना मैंने आपको कि मैंने कपड़े निकाले, तो वो मम्मी देख रहे हैं कि कैसे कैसे कपड़े हैं, किसी के काम आएंगे नहीं आएंगे, तो जो भी कपड़े ऐसे होते हैं जैसे जो हमारे जो हमें नहीं पहने होते तो वह मैं अपनी मम्मा को ही दे देती हूँ, तो अगर कोई नीडी और ग्रीडी होता है तो मम्मा उसे दे देती हैं। और यहाँ पर आयरा और शिफा की पढ़ाई चल रही है, आयरा मैडम बनी हुई है और शिफा को पढ़ा रही हैं। और अभी ये जो मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर जो कर रही हूँ वो मैं रात को कर रही हूँ, और लिबा की आपको मतलब पूरी पीछे से आवाज़ आ रही होगी, सब शांत हो जाएंगे लेकिन लिबा शांत नहीं हो सकती। यहाँ पर मैं और मम्मी बैठे हुए हैं, तो पहले तो हम दोनों बात कर रहे थे लेकिन हम दोनों के बीच में एक दुश्मन आ गया, फ़ोन। मम्मी लगी थी फ़ोन पे और पता काफ़ी देर तक मम्मी ने फ़ोन पे बात की थी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी मम्मी मुझसे बात करेंगी करेंगी करेंगी, मैं सोची थी अब फ़ोन रखें अब फ़ोन रखें, लेकिन वो बातें बहुत ज़्यादा लंबी चली, तो फिर और फ़ोन रख के मम्मी कह रही थी कि अब मैं जा रही, मैंने कहा अच्छा फ़ोन करने आई थी यहाँ पर किसी को, तो फिर मम्मी बैठ गई थी मेरे पास, फिर हम लोगों ने बातें भी करी क्योंकि हम लोग रोज़ मिलते हैं और रोज़ ही बातचीत करते हैं, तो वो चीज़ आज भी हुई। तो मैं सोची थी मम्मी जल्दी रख के चल, बहुत देर तक मैं बैठी रही थी यहाँ पर, फिर जब मैंने देखा मेरी दाल नहीं गंदने वाली तो फिर मैं चली गई थी किचन में, मैंने सोचा चलो दूध दूध गर्म कर लेती हूँ, ये मैं उठी गई हूँ, मैंने कहा चलो जब तक मैं भी काम कर लेती हूँ लिबा के पास मम्मा बैठी हैं और बाकी सारी चीज़ें फिर हो जाएंगी फिर बाद में धीरे धीरे। तो जी फाइनली हम बैठ गए हैं खाना खाने, और हम में कौन है, मैं और आरा। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपके जीजू नहीं आए अभी तक, तो ये है बैंगन का भरता और ये है मटर पनीर की सब्ज़ी, तो ये दोनों चीज़ें बनी हैं घर में, तो मम्मा ले आई हैं यही हमारे लिए, और रोटी भी लाई है मम्मा मुझे, मतलब रोटी भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ज़रूरत क्या, लिबा बिल्कुल एक सेकंड के लिए छोड़ ही नहीं रही थी, अभी भी यहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी, लिबा रानी को भी दिखा दूंगी आपको। तो गर्मा गर्म खाना हम लोग खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए और हम लोग के साथ खाना खा लीजिए। और जैसे इनसे ना हम लोग पहले पूछ लेते हैं कि आप खाना खाओगे नहीं खाओगे, तो ये बता देते हैं, हालांकि इन्होंने मना कर दिया था फिर भी मम्मी एक्स्ट्रा ले ही आई थी कि भाई एनी चांस अगर भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं खिला रही हूँ आयरा को, मैं खा लो बेटा, तो कह रही है मम्मा मैं नहीं खा रही, फिर नाटक ही रहते हैं। और आजकल पीछे इतना भयंकर बैकग्राउंड नॉइज, या अल्लाह। तो ये देखो आपकी लिबा भी पीछे हैं, और आयरा की मस्ती तो ऑलवेज ऑन रहती है, आजकल तो बोलना सीख गई है, सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए। और मैं आपको पता एक बात और बता देती हूँ, बड़ी फ़नी आजकल एक चीज़ होने लगी है, आयरा अपनी वीडियो खुद बना दिया, और मैं ना वो वीडियो आपको एक पूरा वीडियो आयरा की वीडियो का जो उसने खुद अपनी बनाई है ना,
मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगर आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इतनी प्यारी है, मतलब हंसते हंसते पागल हो जाओ। एक तो उल्टा सीधा तो कैमरा पकड़ा हुआ है उसने, और ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें कर रही हूँ। मैंने जब वो वीडियो देख रही, पहले तो मैं डिलीट करने जा रही थी, फिर वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं क्या कहने चाह रही थी, एक तो मैं कुछ कहने चाहती हूँ, तो ये लिबा है ना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब सब सो गए। आपको पीछे से अगर आप लोग ध्यान से सुने तो आपकी जीजू की खर्राटों की भी आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पर लिबू सो रही है, मतलब आपको दिख रही है सो रही है, लेकिन सुनने में नहीं लग रहा कि सो रही है, सुनने में तो बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही है। और कुछ नहीं हो इसे, बस ये है कि मम्मा किसी से भी, इसको लग रहा है मम्मा किसी से बात कर रही है, तो किसी से भी बात ना करें, सिर्फ मुझसे बात करें। अरे बात से याद आया, पता है आपके जीजू उस दिन आए थे, मतलब रात के 2 बजे, और रात के 2 बजे तक मैंने पता किससे बात करी, मैं नाज से। तो जी ये है वो मशीन कॉफ़ी बीटर जिसके बारे में मैं बता रही थी, और आप लोगों के भर भर के कमेंट आए थे कि अभी कौन सी है, कहाँ से मंगाई कहाँ से मंगाई। तो ये अमेज़न से मंगाई थी, इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना। अगर आप लोग इसके प्राइस की बात करते तो वो मैं सब बता देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो हाँ कुछ आज इस तरह से बना है, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये मैं हूँ मम्मी की तरफ और शबी बना रही हैं, तो उनसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो सही से कैप्चर नहीं कर पाई, बट चलो कोई नहीं। आप लोगों को मशीन मैंने पहले दिखा दी है और नज़र भी आ रही होगी, तो यहाँ मैं उसका नाम बता रही हूँ, हॉनशॉन है कुछ इस तरह से इसका नाम है, हॉनकॉन या हॉनशॉन ऐसे करके कुछ नाम है इसका। लिंक तो मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ले लेना। लेकिन मैं इसकी एक खामी आप लोगों को बता देती हूँ कि इस पे लिखा हुआ है कि ये सॉफ्ट टच प्रेस है, तो ऐसा नहीं है। हमने ना 2 मंगाई थी, तो मेरा ये तो बहुत हार्ड टच था, बहुत ज़्यादा उसे प्रेस करना पड़ता था, लेकिन हाँ मेरी सॉफ्ट टच प्रेस थी मेरी, मतलब इसको सॉफ्टली टच करो तो वो हो जाती थी। लेकिन अभी क्या कहते क्या हो गया इसमें, क्या मतलब ज़्यादा कहते ना कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो उस हिसाब से इसका ज़्यादा रोल भी नहीं है। तो ओके ओके, अगर आप मेरा रिव्यू पूछो तो ओके ओके, 250 रुपये में आप किसी की जान थोड़ी लोगे। अगर आप लोग कॉफ़ी के शौकीन हैं तो एक सीज़न शायद चल जाए, पक्का मैं नहीं कह सकती कि पूरा ही आपका एक सीज़न चले, बाकी ये सेल बैटरी से चलती है, तो ले सकते हो, लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो आप लोगों की मर्ज़ी है। बट कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनती है, हम लोग की भी बहुत यमी बनी थी, बहुत बढ़िया बनी थी। और स्पॉन्सर वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपने पैसे मैंने नहीं मैंने हाथ से खरीदी थी, और मुझे तो तोहफा दिया है। तो बस प्राइस मैंने बता दिया ना, 250 रुपये है, और थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ कर देना, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या क्या हो रहा है मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। और मेरी खांसी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, और मेरी परेशानियाँ वो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। मिलती हूँ आगे फिर। ऊ कदो वेलकम बैक, वेलकम बैक। फाइनली बच्चे सो चुके हैं बहुत परेशान करने के बाद, उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती, लेबा पीछे सो रही है। और आ रही है आजकल ना आयरा का ट्यूशन है, चलो मैं बाहर चल के आपसे बात करती हूँ। हाँ तो मैं बता रही थी कि आजकल ना आयरा का ट्यूशन जो है रात हो रही है, रात के 11 बज रहे हैं। और एक बात आपको बता देती हूँ
कि मुझे बहुत डर लग रहा है, आपके जीजू है नहीं, आप लोगों ने देख लिया होगा आपके जीजू नहीं है, और जब वो नहीं होते ना मेरी बैंड बच जाती है पूरी तरीके से। ऐसा होता है जैसे कई बार वो पूरी रात भी नहीं होते हैं, तो जब इनको पूरी रात का इनका टूर होता है तो पापा जी आ जाते हैं, और जब रात में जैसे लेट नाइट आना होता है तो फिर हम लोग वेट ही करते रहते हैं। तो अभी बजे रात के 11, सबसे पहले ना मैं टीवी बंद करूँ क्योंकि ना आ गया टीवी आ गया, हाँ लिबू का झूला वो टांग रखा है। हाँ तो पता क्या होता है, जो आपके जीजू नहीं होते ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे भी पूरा घर मतलब अकेला ही होता है, मैं ही होती हूँ अकेली, कोई भी नहीं होता यहाँ पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बच्चे हाँ लिबा की आप लोगों को मैंने बता दिया था तबीयत ठीक नहीं है, और खाना ले आएंगे, मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरे घर वाले मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो आप लोगों ने देख ही लिया। मैं बात कर ही रही थी, मैं तो जस्ट ऐसे ही बता भी रही थी जो चीज़ है वो बता रही थी, और फिर मम्मा ही आ गए थे खाना लेके। तो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कोई आ रहा है वहाँ से कोई आ रहा है, मैं बहुत डरपोक हूँ। तो बस ये कहना था। और हाँ मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने वो कॉफ़ी बिटर का तो आप लोगों को बता दिया, उसका भी आ रहा था ड्राई शीट का रिव्यू दो, ड्राई शीट का रिव्यू दो, ड्राई शीट कहाँ है अभी फ़िलहाल। एक तो मेरा पूरा घर ना अब भी खराब रहता है, सही से सीमेंट भी नहीं पाती मैं चीज़ें। चलो मैं दे दूँगी अभी दो वीडियो, लो लिबा जग गई, अब मैं जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आ रही आ रही आ रही आ रही।